शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज हम अपने सिर्फ यूपी के स्वाद की बात करेंगे। सर्दियों में मटर के निमोने ना खाए तो सर्दियां कहां पूरी होती हैं? क्यों भाई? और ये सबसे पहले चखेगा भाई? अरे ये क्या बात हुई, ये क्यों चखेंगे सबसे पहले? अरे चखने तो दो एक बार, सब समझ में आ जाएगा। वैसे आप देखने में तो जबरदस्त लग रहा है। बहुत टेस्टी है, पर इसमें हमारे घर जैसा स्वाद नहीं आ रहा, बल्कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक से याद नहीं आ रहा है। लेकिन अरे वरुण जल्दी बताओ ना, यहाँ भूख के मारे ना हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे। बुआ जी कहीं आपने? नहीं नहीं आप नहीं बना सकते। वाह बेटा जी, जब बचपन में तुम्हें पकोड़े बनवाने होते थे ना तो हमारे पल्लू से लपक के खड़े रहते थे, और अब देखो अपनी बुआ की बेइज्जती कर रहा है ये। बुआ जी पकोड़ों में और निमोने में बहुत फर्क होता है। अब और इसमें तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है। ये श्रद्धा कहीं तुमने? बचपन में घर बुला के बनवाते थे और कभी कभी तो हफ्ते में दो तीन बार। आया याद कुछ? छोटी बड़ी मछली जैसी आंखें, भागे तो मिल्खा से भी आगे। नाम याद आया? अवनी, हमारी अवनी। भाई तुम कितने सालों के बाद तुम कितनी बड़ी हो गई है। श्रद्धा कीर्ति ये अवनी है, ये पहले हमारे पड़ोस में रहती थी। और तुम्हें पता है अभय और वरुण की बचपन की सहेली है ये, पक्की वाली। अरे तीनों दिन भर इतना कोहराम मचाते थे कि क्या बताएं। अरे घर घर खेलते खेलते किचन का सारा सामान बाहर निकाल लेते थे। और भाभी आपको वो याद है, ये वरुण और अभय हमेशा झगड़ा करते थे घर घर खेलने में कि अवनी का पति और नौकर कौन बनेगा, और ये हमारे वरुण जनाब
कभी भी अभय को अवनी का पति नहीं बनने देता था घर घर खेलने में। बुआ जी अभी अरे हाँ अभय तो बचपन में लड़कों के साथ मंडराता रहता था, लेकिन वरुण और अवनी इतने पक्के दोस्त थे कि ये तो बचपन से ही एक दूसरे के साथ रिश्ता करना चाहते थे। लेकिन अपने वरुण तो हैं समझदार, वो पहले से ही नौकरी ही करना चाहते थे। हाँ चाची, अच्छा किया तुम आ गए। अवनी के घर वालों से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि अवनी को यहाँ भेज रहे। हमें भी लगा कि अवनी के आने से घर का माहौल और अच्छा हो जाएगा। अच्छा और बताओ आजकल क्या कर रही हो, कोई काम? वरुण बस काम ढूंढने के लिए कानपुर आई हूँ। सीएस की पढ़ाई तो खत्म हो गई है, बस अब नौकरी की तलाश है। क्या सच? तो फिर तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई। वो क्या है कि आजकल मैं भी एक असिस्टेंट ढूंढ रहा हूँ। आज एक इंटरव्यू लिया था, पर वो इतनी मंदबुद्धि थी ना कि क्या बताऊं। तुम मेरी ऑफिस में नौकरी करोगी क्या? क्या ऐसा हो सकता है वरुण? मुझे नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। बस तुमने कह दिया और हो गया। मैं बस एक बार अपने बॉस से बात कर लूं और हम कल से शुरू कर लेंगे। ज्यादा उड़ रहे हो ना तुम, तुम्हारे पंख तो हम ही काटेंगे। अरे वाह अवनी, बधाई हो, आते के साथ तुम्हें नौकरी भी मिल गई। अवनी हमारा घर बहुत शुभ है तुम्हारे लिए, देखो आते तुम्हें नौकरी भी मिल गई। अब हम बैठ के ना पुरानी यादें याद करेंगे। हाँ सो अवनी वेलकम अगेन टू कानपुर। कानपुर इनका, उसके पति बनने का इतना शौक कि आती के साथ फटाक से नौकरी दे दी उसे। अरे तो हमसे शादी क्यों किया, उसी से शादी कर लेते, क्यों लगाया हमारी जिंदगी पे ताला। अरे इतनी जल्दी क्यों आया आप, क्यों आया भाभी, आप क्यों आए आप इतनी जल्दी? अरे यार जाइए ना, जाइए उस अवनी के साथ बैठ के घर घर खेलिए, जाइए। अरे वही तो मैं तुम्हें बताने के लिए आया था, मैं फोन पे था, वो अपने बॉस से बात कर रहा था। उन्हें भी अवनी बहुत पसंद है, बल्कि वो कल से काम शुरू कर सकती है। उसका तो पता नहीं, पर हमें इतना समझ में आ गया कि आपको कितना काम आता है। अरे कीर्ति बिना काम देखे अगर लोग को ऐसे नौकरी देने लगे ना तो हो गया देश का सत्यानाश। देखो मेरी बात सुन, मैं अवनी को बचपन से जानता हूँ, वो अपने काम में बहुत होनहार है, दिल लगा के काम करेगी वो। अब क्या रात भर आप उस अवनी की तारीफों के पुल बांधते रहेंगे? कौन आ गया? देखो तुम शांत हो जाओ, आराम से बैठो, मैं देख के आता हूँ, ठीक है? किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।